अनंत के खुशबूदार फूल और इन फूलों से भरा हुआ इनका पेड़। नमस्कार, मैं हूँ स्नेह। गर्मी के मौसम में खिलने वाले और खुशबू फैलाने वाले सफ़ेद फूलों में से एक नाम अनंत का भी है। फूल खुशबू वाले हैं, लेकिन खुशबू ज़्यादा तेज नहीं है, हल्की हल्की और मीठी सी। ये पेड़ जब फूलों से भरा होता है, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसका वीडियो मैंने पहले भी शेयर किया है। आज के वीडियो में हम देखेंगे इस पेड़ की रूट से नए नए पौधे कैसे तैयार होते हैं। इनके बड़े पेड़ होते हैं, जब पेड़ काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तभी इसमें फूल आते हैं। पूरे साल ये पेड़ हरा रहता है, लेकिन फूल गर्मी के मौसम में खिलते हैं। गर्मी शुरू होने पर हर 20 दिन या एक महीने के बाद इसमें थोड़े फूल खिलते हैं, लेकिन जून के महीने में जब बारिश होती है पूरा पेड़ फूलों से ढक जाता है। 2-3 दिन जब लगातार बारिश होती है फूल खिलते रहते हैं, लेकिन जैसे ही धूप निकलती है फूल मुरझा जाते हैं। 5 पंखुड़ियों वाले बहुत ही नाजुक फूल हैं, जो धूप सहन नहीं कर पाते। काफ़ी सारे फूल नीचे गिरते रहते हैं, लेकिन रोज़ ताज़े फूल खिलते भी हैं। पेड़ काफ़ी ऊंचा और घना भी है, ऊंचाई शायद 20 फीट से ज़्यादा ही होगी। ये पेड़ सड़क के किनारे लगा हुआ है। इसके निचले भाग में बहुत सारी स्टेम और पत्तियां निकली हुई हैं। यहाँ नई नई ग्रोथ होती रहती है। जो नई पत्तियां हैं वो हेल्दी दिखाई दे रही हैं, पुरानी पत्तियों में कुछ कीड़े लगे हुए हैं। पेड़ की जड़ के पास थोड़ी सी ज़मीन कच्ची है, बाकी दूर दूर तक सीमेंट की टाइल्स लगी हुई हैं। पौधे की पत्तियां बिल्कुल हरी हैं, इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ इस पेड़ की ज़्यादा देखभाल भी नहीं होती है। पेड़ को सिर्फ अच्छी धूप और अच्छे पानी की ज़रूरत होती है। पुरानी पत्तियां सूखकर गिर जाती हैं, बारिश का पानी मिलने से जो नई पत्तियां निकलती हैं वो हेल्दी होती हैं। इनकी जड़ें ज़मीन के अंदर दूर दूर तक फैली रहती हैं। नीचे ज़मीन में जहाँ पानी मिलता है वहाँ से ये पानी लेती रहती हैं। यहाँ सीमेंट के नीचे शायद बहती हुई नाली है, जिसका ढक्कन खुला हुआ दिखाई दे रहा है। इस पानी से नीचे मिट्टी में नमी बनी रहती है। इसके कोने में एक छोटा सा अनंत का पौधा निकल आया है। सीमेंट के नीचे कच्ची मिट्टी में अनंत के पेड़ की जड़ें फैली हुई हैं और जहां उसे जगह मिली वो बाहर निकल आई। इसी रूट से ये पौधा तैयार हो गया। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ों से नए नए पौधे नीचे मिट्टी में से ही निकलते रहते हैं। इनके फूल पूरे समय खिले रहते हैं, बाद में वो नीचे गिर जाते हैं। पिछले साल जून के महीने में जब फूल खिले थे तो बहुत ज़्यादा खिले थे, इस बार काफ़ी कम हैं। इसकी वजह शायद ये हो सकती है कि इस बार पेड़ की पत्तियां हेल्दी नहीं हैं। इस तरह के पेड़ों की केयर प्राकृतिक रूप से बारिश के पानी से और धूप से ही होती रहती है। पतझड़ के मौसम में सारी पत्तियां गिर जाती हैं और जो नई पत्तियां आती हैं वो फिर हेल्दी होती हैं। मौसम आने पर फिर से फूल खिलने लगते हैं। ये पेड़ और फूल काफ़ी कम देखे जाते हैं, मैंने भी इसे यहाँ पहली बार देखा है। यहाँ इसे अनंत के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर जगहों पे गंधराज को ही अनंत के नाम से जाना जाता है। गार्डेनिया फ्लावर की बहुत सारी वैरायटी होती हैं, शायद उन्हीं में से एक ये भी है। इस फूल का कोई दूसरा नाम अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी ही।